नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि अनुपमा देर रात तक बैठ के सुपर शेफ कॉम्पिटिशन की तैयारी करती है। तभी आतिया ये देख के सोचती है कि अनुपमा पापा को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही है। अनुपमा अगले दिन सुबह उठ के पूजा करती है। तभी अनुज आके बोलता है कि तुम रोज पूजा किया करो, हर घर में हमारा संस्कार कायम रखना चाहिए। वहाँ श्या परिवार में अंश डिम्पी को बोलता है कि टीटू उसके सौतेला पापा है और सौतेला पापा हमेशा ही सौतेला ही रहेगा। ये सुन के डिम्पी गुस्सा हो जाती है। डिम्पी वनराज के पास जाके ये सवाल उठाती है कि क्यों वनराज अंश को ऐसे बोला। वनराज डिम्पी को बोलता है कि मैंने अंश को ऐसे कुछ नहीं बोला है। वनराज ये भी बोला कि अंश के मन में टीटू के लिए डर बैठ गया है। वनराज ये भी कहता है कि आगे कोई ऐसे सवाल मुझसे ना करे। वहां अनुज श्रुति और आतिया को भी पूजा के लिए लेके आता है। ये देख के आतिया बोलती है कि भगवान मन में होना चाहिए, ये सब दिखावा है। तभी अनुपमा आतिया को बोलती है कि जिस मन में श्रद्धा होती है वहां अहंकार नहीं होते। पूजा तो मन का दर्पण होती है, दिन में एक बार ये दर्पण देख लो तो पूरा दिन मन साफ रहता है। अनुपमा किचन में कॉफी बनाने के लिए जाती है। तभी अनुज भी किचन में जाता है। आतिया अनुज को ढूंढते हैं और आतिया को ये दिखता है कि अनुज अनुपमा के साथ किचन में है। अनुप और अनुपमा के बीच में जो पुरानी यादें हैं वो ताजा हो पाएंगे? आतिया और अनुपमा के बीच में जो दूरियां है वो बढ़ जाएंगे? क्या वनराज डिम्पी और टीटू के शादी तोड़ पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।